डिफरेंट तरीका है एक बड़े पैमाने पे इसके ऊपर काम किया जाता है जिसकी वजह से ये एक्सपेंसिव तरीका भी है लेकिन एक्यूरेसी ऑफ सेंसिस अगर वो ठीक किया जाए वो कहीं ज़्यादा बेहतर है जो बजाय कि हम दूसरे सिस्टम्स या दूसरे तरीक़ों की तरफ जाते हैं जो कि सेंसिस में तो डाटा पॉपुलेशन पॉपुलेशन के डाटा के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल सर्वेस सेंसिस के बाद अगर हम बात करें तो सर्वे एक अहम तरीका है जिसके जरिए पॉपुलेशन के डाटा को इकट्ठा दुनिया भर में किया जाता है सर्विस एक साइंटिफिक तरीका है सर्विस एक रिसर्च का तरीका है रिसर्च करने का तरीका है अब इसके अंदर कई तरीके इन्वॉल्व हैं किस तरह से एक सैंपल ऑफ पॉपुलेशन को लिया जाता है और उसको फिर हम जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं उसकी हम इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करते हैं डेमोग्राफर्स जो हैं रिलाई करते हैं सेंसिस के बाद सर्वे के ऊपर काफी हद तक रिलाई करते हैं काफ़ी हद तक इसको इस पर अहतम करते हैं और दुनिया भर में इसको इस्तेमाल दिया गया जाता है अगर हम बात करें कि इसमें शामिल क्या होता है इट कंटेन द एक्सटेंसिव काइंड ऑफ द इंफॉर्मेशन नीडिड टू एड्रेस सम ऑफ द मोस्ट क्रूशियल डेमोग्राफिक क्वेश्चन समटाइम हमें बहुत क्रूशियल डेमोग्राफिक क्वेश्चन की जरूरत होती है समटाइम वो क्वेश्चन हमारे सर्वे में शामिल नहीं होते लेकिन सेंसिस में शामिल नहीं होते लेकिन हमें सर्वे में उसको शामिल करने की ज़रूरत होती है डिटेल के हबर हम बात कर सकते हैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से वो किसी एक सर्टेन बीमारी की बात हो सकती है हमारे यहाँ ओवरऑल एजुकेशन की जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं उसके ऊपर तो बात सेंसस में हो जाती है लेकिन अगर हमने डीप रूटी कोई अगर हमने रिसर्च करनी है हम फिर उसके ऊपर सर्विस के थ्रू सर्वे मेथड के थ्रू मज़ीद इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है पॉपुलेशन के डाटा के करेक्टरिस्टिक्स को डीपली जानने

के अंदर अगर कोई तब्दीली आती है तो इन तीन चीज़ों की वजह से यकन आती है डायनमिक्स पॉपुलेशन के बदल सकते हैं इन तीन चीज़ों के ऊपर नीचे होने पर फर्टिलिटी ज़्यादा या कम होने से मोटैलिटी ज़्यादा या कम होने से फिर हम मोटेलिटी देखते हैं अमंग चिल्ड्रन मोटेलिटी ज़्यादा हो रही है विमेन मोटे विमेन मटर्नल मोटैलिटी ज़्यादा हो रही है इन्फेंट मोटेलिटी ज़्यादा हो रही है ओल्ड एज मोटेलिटी ज़्यादा हो रही है माइग्रेशन और ये तमाम चीजें आज की दुनिया में जब हम आपसे बात करेंगे स्टूडेंट्स तो कोविड का भी दौर जो है वो चल रहा है यकीन इसके ऊपर सेंसस तो कंट्रीज करवाएंगी नहीं करवा सकेंगी, जाहिर है एक एक्सटेंसिव सर्विस किए जा रहे होंगे और जो एज के ऊपर और हेल्थ के ऊपर जो डेमोग्राफिक तब्दीलियां इकनॉमिक के ऊपर जो डेमोग्राफिक तब्दीलियां हर मुल्क के अंदर आ रही हैं डेफिनेटली जो मुल्क चाहते हैं कि इस कोविड के अंदर जो एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है हेल्थ सिस्टम्स लोगों के कोलैप्स कर गए हैं इकोनमिट लोगों के कोलेप्स कर गई हैं आपकी और आपकी आपकी पॉलिटिकल प्लिति, इंस्टेबिलिटीज दुनिया में आ गई हैं ये तमाम चीज़ें सर्वे क्योंकि एक इजी तरीका है एक सर्टेन सैंपल को ले हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं एक सर्टेन पेनोमिना पे हम बात कर सकते हैं तो यकीन इस पर बात की जा सकती है इस लिहाज से सर्वे एक यूजफुल तरीका है टू नो दी इंफॉर्मेशन सर्वे को जैसा मैंने आपको बात की दे आर रिक्वायर्ड ऑफ द मोर डिटेल इंफॉर्मेशन डिटेल में हमें इंफॉमेशन चाहिए मैं कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आपको बात कर रही थी आप देखिए कि कोविड ने एक्सपोज किया है हमारे हेल्थ सिस्टम को ना सिर्फ हमारे हेल्थ सिस्टम को बल्कि दुनिया भर के हेल्थ सिस्टम को जब हम तमाम लोगों ने ये खबरें पढ़ी कि इटली के हस्पताों में जगह कम पड़ गई अमेरिका के हस्पतालों में ख़ास तौर पर अमरीका या बरतानिया के हस्पतालों में जगह कम पड़ गई तो बहुत हम जो पढ़े लिखे लोग भी हैं जो उनके सेंसिस की रिपोर्ट्स देखते हैं और वो देखते हैं तो हम कहते हैं दे आर फार फार बेटर एंड दे हैव वेरी गुड हेल्थ फैसिलिटीज एज कम्पेयर टू द कंट्रीज लाइक पाकिस्तान बट डेट कोविड हैज एक्सपोज्ड मैनी कंट्रीज डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी मोर रिसर्च मोर सर्वेस हमें फर्दर डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी आज के हालात के ऊपर और ख़ास तौर पर हेल्थ से रिलेटेड हालात और जो इकोनॉमिक डिजास्टर आया है दुनिया में उसके ऊपर हालात के ऊपर बाय एडमिनिस्ट्रिंग सर्विस टू केयरफुली सिलेक्टेड रैंडम सैंपल्स ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन डेमोग्राफर्स आर बेटर एबल टू अंडर कवर अंडरलाइंग पैटर्न ऑफ द डेमोग्राफिक बिहेवियर देन इस पॉसिबल विद मटीरियल फ्रॉम सेंसिस एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम मिटीरियल हमारे पास मौजूद होता है सेंसिस के जरिए हमारे सामने बाज़ा पिक्चर होती है रजिस्ट्रेशन क्योंकि साथ साथ हो रही होती है हमारे सामने पिक्चर होती है हमने जब डिटेल में बात करनी है लेकिन वन वर्ड यू कैन सी विच आई जस्ट सर्वे हैव टू टू बी बी कंडक्टेड कंडक्टेड वेरी वेरी साइंटिफिकली नीडेड केयरफुली और रैंडम सैम्पल हैं और डिफरेंट सैम्पल मैथड्स हैं जो सोशल साइंसिस से जिनका ताल्लुक है और जो सोशल साइंसिस रिसर्च लोग करते हैं उन तमाम लोगों को पता है स्टेटिस्टिकल के जो माहरीन होते हैं स्टिस्टिक्स के जो माहरीन होते हैं उनको पता है किस तरह से आबादी के खास नमूने को उठा के एक सैम्पल हमने आबादी का लेना है और सैंपल हमने इस तरह से लेने की कोशिश करनी कि वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हो वो बाकी पॉपुलेशन जिससे हम बात नहीं कर सकते जिसका डाटा हम इकट्ठा नहीं कर सके वो उसको भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करना हो ये एक तरीकाकार है रिसर्च को करने का यकीन जब आप स्टूडेंट्स रिसर्च के मेथड्स को पढ़ेंगे तो आप इन चीज़ों को ज्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे तो इसके थ्रू हम पॉपुलेशन के इन डेप्थ फिनमिनाज के ऊपर बात कर सकते हैं बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसको केयरफुल और साइंटिफिक होना चाहिए तमाम साइंटिफिक जो इसमें स्टेप्स हैं वो फॉलो किए जाए चाहे वो आपने कलेक्शन ऑफ द डाटा है या उससे पहले आपने अपनी पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करना है या उससे भी पहले आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सर्वे जो हैं वो क्लियर हैं आपको पता होना चाहिए आप करने क्या जा रहे हैं आपने हर चीज पहले से एक रोड मैप अपना जो है वो साइंटिफिक वे में तैयार किया हुआ है चाहे वो एनालिसिस है कि किस साइंटिफिक मेथड के साथ आप अपने सर्वे का एनालिसिस कर रहे हैं और उसके बाद क्या पिक्चर जो है वो आपके सामने आई है जब ये सारे स्टेप्स आपके एक्यूरेट होंगे उसके बाद जो पब्लिकेशन है या पब्लिश फॉर्म में सर्वे की रिपोर्ट हमारे सामने आई इंटरनेशनल माहरीन दुनिया भर में जो बड़ी एजेंसीज हैं रिसर्च एजेंसीज हैं रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पे बड़े केयरफुल सर्विस किए जाते हैं और कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी सर्वे रिपोर्ट के ऊपर हम सब एग्री कर जाते हैं यूनिसेफ अगर कोई सर्वे करेगा वी विल डेफिनेटली बिलीव और हम उसको कहेंगे जी कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से है डब्ल्यू एच को सर्वे करेगा इसी तरह से और एजेंसीज हैं बड़ी जो इसके ऊपर सर्वे करेंगी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाव हमारे यहाँ एक ये भी है कि हर चीज़ को सर्वे का नाम दे देना साइंटिफिक मैथड का योजना करना और सिंपल अखबारी रिपोर्ट या ऐसी जो येलो जर्नलिज्म है उसके ऊपर अगर मालूम आए वो भी आपके मुल्क के लिए नुकसानदेह होती हैं जिसको हम सर्वे का नाम देकर एक सर्टन मालूम हमारे सामने आ जाती हैं और हम उसको मानने बैठ जाए हम उसको अपनी उसके ऊपर मजीद तहकीक करें तो आपकी तहकीक का रंग कुछ का कुछ हो जाएगा इसलिए बहुत जरूरी है कि साइंसीज बुनियादों को ही सामने रख के सर्विस जो है वो किए जाए